2 अप्रैल को मुंबई इंडियंस की टीम के बीच में और राजस्थान रॉयल्स की टीम के बीच में काफी बड़ा मुकाबला होने वाला है और ये मुकाबला में दोपहर 3:30 बजे से शुरू होते हुए नजर आने वाला है और इस मुकाबले में दोनों ही टीमों की क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है और कौन सी टीम हमें ये मैच जीतते हुए नजर आने वाली है। तो दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 का कंपेरिजन करके मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आखिर कौन सी टीम किस पर भारी पड़ने वाली है। तो ओवरऑल ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आप भी चाहते हैं कि आपकी फेवरेट टीम जीते आईपीएल 2022 का सीजन तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप क्रिकेट और खासकर आईपीएल से जुड़े हमारी कोई वीडियो मिस ना कर पाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपको आईपीएल के किसी भी मैच की या फिर राजस्थान और मुंबई इंडियंस की टीम के मैच की प्रेडिक्शन चाहिए वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ में तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो आकांक्षा प्रेडिक्शन से। 100% कन्फर्म प्रेडिक्शन देते हैं तो आपको आकांक्षा प्रेडिक्शन का आपके मोबाइल की स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है आप उनसे कॉन्टेक्ट जरूर कीजिए, उनका व्हाट्सएप नंबर है। चलिए पहले बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में। तो मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से हमें ओपनिंग करते हुए रोहित शर्मा और ईशान किशन नजर आने वाले हैं। मुंबई इंडियंस की टीम अपने दोनों जो रेगुलर ओपनर है उनके साथ में हमें कंटिन्यू करते हुए आगे नजर आने वाली है और ईशान किशन और रोहित हमें ओपनिंग करते हुए एमआई की टीम की ओर से नजर आने वाले हैं। और अगर आरआर की टीम की बात की जाए आरआर के ओपनर की तो हमें आरआर की टीम की ओर से जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं जिन्होंने की काफी अच्छी शुरुआत आरआर की टीम को दिलवाई थी। और अगर दोनों ही टीमों के मिडिल ऑर्डर की बात की जाए तो मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से हमें मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव नजर आने वाले जो कि नंबर 3 पर एमआई की टीम के लिए बैटिंग करने वाले। और नंबर 4 की बात की जाए नंबर 4 पर हमें तिलक वर्मा और नंबर 5 पर कैरन पुलार्ड नजर आने वाले। तो कुछ इस तरीके का हमें एमआई की टीम का मिडिल ऑर्डर नजर आने वाला है 2 अप्रैल को जो एमआई की टीम का मैच होने वाला है आरआर की टीम के साथ में। और अगर आरआर की टीम के बात की जाए आरआर की टीम के मिडिल ऑर्डर की बात की जाए तो हमें नंबर 3 पर राजस्थान रॉयल्स की टीम की ओर से बैटिंग करते हुए राजस्थान रॉयल्स की टीम के कप्तान संजू सैमसन नजर आने वाले। और नंबर 4 पर हमें देवदत्त पडिक्कल नजर आने वाले, इन्होंने काफी अच्छी पारी खेली थी राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए जो एसआरएच की टीम के साथ में मैच था। और अगर नंबर 5 की बात की जाए तो नंबर 5 पर हमें शेमरॉन हिटमायर नजर आने वाले। और अगर दोनों ही टीमों के मिडिल ऑर्डर की बात की जाए तो इक्वल नजर आ रहा है, दोनों ही टीमों का मिडिल ऑर्डर काफी मजबूत हमें नजर आ रहा है तो दोनों टीमों का कोई कंपैरिजन मिडिल ऑर्डर में नहीं बनता है। और अगर लोअर ऑर्डर और फिनिशर की बात की जाए तो एमआई की टीम की ओर से हमें 6 नंबर पर टीम डेविड नजर आने वाले और 7 नंबर पर हमें एमआई की टीम की ओर से संजय यादव या फिर रमनदीप सिंह इन दोनों खिलाड़ियों में से कोई एक खिलाड़ी खेलते हुए नजर आने वाला है। और नंबर 8 की बात की जाए तो नंबर 8 पर हमें मुरुगन अश्विन नजर आने वाले और नंबर 9 पर हमें टाइमल मिल्स नजर आने वाले और नंबर 10 पर जसप्रीत बुमराह और नंबर 11 पर बेसल थम्पी नजर आने वाले। और वहीं अगर आरआर की टीम के फिनिशर की बात की जाए या फिर कहले लोअर ऑर्डर की और बॉलर्स की बात की जाए तो हमें नंबर 6 पर आरआर की टीम में रियान पराग नजर आने वाले और नंबर 7 पर हमें नेथन कुल्टर-नाइल नजर आने वाले। अगर ये फिट होते हैं नेथन कुल्टर-नाइल तो हमें नंबर 6 पर माफ कीजिए नंबर 7 पर नेथन कुल्टर-नाइल नजर आने वाले। और अगर नंबर 8 की बात की जाए नंबर 8 पर आर अश्विन, नंबर 9 पर युजवेंद्र चहल और नंबर 10 पर हमें ट्रेंट बोल्ट नजर आने वाले और नंबर 11 पर प्रसिद्ध कृष्णा नजर आने वाले। आरआर की टीम बॉलिंग लाइनअप में काफी आगे निकल जाती है एमआई की टीम से, आरआर की टीम का बॉलिंग लाइनअप काफी मजबूत नजर आ रहा है जैसा कि एमआई की टीम का रहता था आईपीएल 2021 के सीजन में और आईपीएल 2020 के सीजन में। लेकिन इस साल काफी मजबूत आरआर की टीम का बॉलिंग लाइनअप नजर आ रहा है एमआई की टीम के मुकाबले। वैसे आपको क्या लगता है 2 अप्रैल को जो राजस्थान रॉयल्स की टीम का मुकाबला होने वाला है मुंबई इंडियंस की टीम के साथ में उस मुकाबले में कौन सी टीम जीतने वाली है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बता रहा। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।